अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी टीम में नहीं हूँ मैं भी जैसे पहले खेल रहा था इंडियन टीम में लीड कर रहा था अब नहीं हूँ बाहर हो गया भाई अब जैसे शुमन अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और मैं एक मेरी एक दो सीरीज़ खराब हुई थी तो मैं बाहर हो गया तो मैं उसको लेके उदास भी तो रह सकता हूँ कि भाई मेरे लाइफ में ये नहीं होनी बट मैं सोचता ही नहीं वैसा मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो जो भी भगवान ने किया इसी में कुछ भला है मेरे लिए विराट है विराट और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर सेम है काफी और गानों की पसंद भी तो विराट आएगा जब भी, भी मैं जब भी टीम पे तो, तो फिर कान में मेरे वो लगा देगा कि पंजाबी गाने सुनाएगा कि भाई ये गाना है ये गाना मुंबई वालों के बारे में आपने क्या सीखा है मुंबई वालों के बारे में मुंबई पीपल आर क्वाइट चिल रिलैक्स एंड यस ही है सुनिए में आई लाइक दिल्ली में मत करना बदकबोट पर <laughs> आज गब्बर के साथ कन्वर्सेशन करी है दोस्तों शिखर धवन टीआरएस पर यार इस इंसान जैसा हम्बल और पॉजिटिव दिल आजकल इस दुनिया में नहीं मिलता और यही होती है पॉडकास्ट की खासियत एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद जब आप किसी से बात करते हो ना आपको उनकी असलियत पता चल जाती है और यूट्यूब की सबसे बड़ी देन यह है कि उस असलियत को हमें आपके साथ शेयर करने का मौका मिलता है तो अगर आप क्रिकेट फैन हो या अगर आप एक पॉडकास्ट फैन हो यह है एक एपिक क्रिकेट पॉडकास्ट एक क्रिकेट के लेजेंड के साथ यह है शिखर धवन टी आर एस पर शिखर धवन सर या भाई बुलाऊं पता नहीं आप कैसे हो मैं बहुत बढ़िया स्पेशली so हाँ क्योंकि मैं क्रिकेट फैन हूँ तो अक्सर मुझे क्रिकेटर्स के साथ बात करते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है आपके साथ बिल्कुल डिफिकल्टी फील नहीं हो रही नहीं हो रही जी क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है

आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए सर भाई सॉरी शिखरवा के बचपन के बारे में कुछ बताइए मतलब शिकार धवन बनने के लिए आ, दस साल के शिकार धवन को करना क्या पड़ा यार uh, बचपन मेरा बहुत शैतानी में निकला है पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था था तो खेलता बहुत था मैं जैसे हर एक कॉलोनी में जैसे मैं मई जी फ्लैट्स में रहता था तो वहां पे कॉलोनी में हम सारे शाम को दोस्तों ने इकट्ठे हो जाना फिर क्रिकेट खेलनी आ, पार्क होता है हमेशा एक कॉलोनी में तो उस पार्क में खेलना एंड वहीं पे मैं पला बड़ा था वहीं मस्ती करता था फुटबॉल भी खेलता था आ, क्रिकेट भी खेलता था सारी गेम्स खेलता गैलरी खेलना स्टापू खेलना तो सारी गेम्स खेली है मैंने एंड बहुत शैतान था बहुत ज़्यादा शैतान था बहुत दिमाग तेज भी चलता था तो लोगों के लेटर बॉक्स उड़ा देने दिवाली पे लेटर पाड़ देने नाली में डाल देना साइकिल uh, जैसे फिसल पट्टी होती थी ना hmm. तो उस पर चढ़ा दी वहां से ऊपर वापस गिर गया तो बहुत चोटे भी खाई हैं पर मतलब आई अप टू है बर, uh, okay. yeah, yeah. Uh, कहा जाता है कि फुटबॉल में अगर आप गोलकीपर हो तो आप थोड़े से क्रेजी होते हो hmm. गोलकीपर होने के लिए hmm. और क्रिकेट में कहा जाता है yeah, तो थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ता है Okay. Uh, वो हो, हो, होना क्या पड़ता है वो हो, होना ही चाहिए शुरू से तभी वो बनेगा क्योंकि वो एज अ ओपनर इट्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब नई बॉल है नई पिच है बॉलर फ्रेश है और उसको खेलना है तो वो सबसे टफ है तो इसलिए थोड़ा वो पागल बंदा ही होता है जो करता है और आई एंजॉय दैट एंड आई एंजॉय दैट क्रेजी साइड ऑफ माइंड के बारे में कुछ है। अब सारी सारे काम कर जाएंगे मस्ती मस्ती में क्रेजी साइड एट दाई लाइफ की जहाँ मुझे मेच्योरिटी दिखानी मैं मेच्योरिटी दिखाऊंगा जहां जितना बोलना है मैं उतना ही बोलूंगा और जहाँ मुझे मुझे पता है कि मैं बच्चे की तरह रह सकता हूँ तो मेरा वो बचपना भी है मेरे अंदर अभी तो I'll be that well. so okay. so that. आई बी दैट एज तो आई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन मी ओके सो आई एंजॉय एवरी कलर ऑफ दैट जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में माता चढ़ जाती है आप हाँ आई टूर्नामेंट में हाँ जी मेरे अच्छी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स रहे हैं और मालिक की बड़ी मेर है कि okay. भी इतना रिकॉर्ड्स रहे मेरे पर क्या हो जाता आपको ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं कि मेरी कोई कमिटमेंट लेवल फर्क आ जाता है मेरा जो प्रोसेस है वो हमेशा सेम रहा है और आई फील कि आईसीसी टूर्नामेंट में विकेट्स मच मोर बेटर एज वेल और न्यूट्रल uh, वेन्यू पे रहता है उन्हें पता होता है कि भाई एक प्रॉपर ट्रू विकेट्स रहती है uh, ट्रू विकेट एज एन मतलब? जैसे बॉलर फ्रेंडली विकेट हो गई okay. जैसे अभी अभी जैसे चलो टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल अब जैसे टेस्ट खेल रहे हैं तो टर्निंग ट्रैक पर खेले तो उसमें बैट्समैन को रन बनाना इतना आसान नहीं होता बॉलर विकेट ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं तो इट्स नॉट अ वेरी ट्रू विकेट चाहे वो टेस्ट सीरीज इधर की हो या कभी जैसे हम पर्थ में खेल रहे हैं तो वहां पर वो फायरिंग होती तो इतने आसान नहीं होता चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है वेरल्स वनडे टी ट्वेंटी में विकेट थोड़ी फ्लैट रहती क्योंकि क्योंकि रिस्क ज्यादा लेना पड़ता था बैट्समैन को तो वो विकेट ट्रू होनी चाहिए उसके लिए

इतनी आसानी से कब ऐले हुनर खुलते हैं इतनी आसानी से।, से कब ऐले हुनर खुलते हैं बुलंदी पर होता हूँ तब पर खुलते हैं <laughs> <ना। laughs> जब मैं बुलंदी पर होता हूँ तब मेरे पर खुलते हैं आप <laughs> okay. तो बोल रहे थे ओके एंड या इट्स फन लाइक इन माय हेड सी माय सेल्फ परफॉर्मिंग रिकॉर्ड्स मैं पहले भी बोला है अपने कई इंटरव्यूज़ में कि भाई आई यूज़ लॉड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू नो पीपल टू यूज लॉट लॉर्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इवन जो यंगस्टर्स आपके यहाँ पे सुन रहे हैं कि वो कला सीखनी चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करें एंड हाउ टू टर्न योर ड्रीम्स इन टू रियालिटी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिखाओ uh, देखो आपने भी अपना ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट किया ही है आप इतने फेमस अपने फील्ड पे इतना अच्छा कर रहे हैं ए, तो यही होता है कि बीच जैसे सपना लिया संकल्प से सिद्धि कैसे करी जाती है तो वो सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं सिखाने में मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं कि अब मैं एक बार ही बोलूँगा तो इट्स इट्स अ प्रोसेस इट्स यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद अ थॉट प्रोसेस सो हार्ड वर्क इज बस जैसे आपसे एक सोच uh, विजन जैसे मैं सोच लेता हूँ यार कि मेरे को ये करना है तो मैं वो करता हूँ उसको पहले कॉन्शियस माइंड पे मैं लाऊंगा फिर उसको मैं लेके जाऊंगा एक मिनट थोड़ा का मतलब ही ये होता है पर, आ, मैंने सौरभ गांगुली के ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था कि वो विजुअलाइजेशन को यूज करते थे मतलब हर मैच के पहले विजुलाइज करते थे कि कवर ड्राइव मार रहे हैं जो भी तो वो हो गई कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग हाँ विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली फिर जो आपने कहा कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ले जाते तो जैसे वो विजुअलाइज भी कर रहे हैं अब वो रोज़ कर रहे हैं तो इट्स अ डेली प्रैक्टिस राइट जी तो जब वो रोज रोज़ करते रहेंगे तो वो आदत बन जाएगी तो आदत अब आदत किसी भी चीज़ की हो सकती है जैसे कोई बंदा स्मोक करता है तो स्मोक कर करा तो उसको पता नहीं चलो वो खुद ही हाथ जाएगा खुद ही सिगरेट उठेगी और चलना शुरू तो वो लेकिन आदत तो कॉन्शियस माइंड से बनी देना कहीं को गाली देने की आदत होती है तो मुंह से निकल जाएगी और तेरी तो वो कैसे बनी वो बनी हुई कॉन्शियस माइंड से ही बनी हुई नेचर बन जाती है किसी चीज को तो वो पच्चीस तीस चालीस दिन बाद वो आपकी आदत बन चुकी होगी इंडिया डे बने काफी चीजें मैनिफेस्ट करी मैंने अपना मैनिफेस्ट किया था कि मैं बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ बहुत रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ और आज मेरे बहुत सारे हैं तो सारी चीज़ें जो जो मैंने मैनिफेस्ट की वो मालिक की मेरे से काफ़ी पूरी और कई चीज़ें नहीं भी पूरी होती तो उसमें भी शुक्राना अदा करना बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर हर एक चीज आपके मुताबिक पूरी होना शुरू हो जाए तो फिर uh, क्या ही बात और नेचर नोज़ द बेस्ट सो आई लाइक टू सरेंडर टुवर्ड्स नेचर एंड आई लेट नेचर ब्रिंग दैट थिंग टू मी वैन द टाइम इज राइट रैदर दैन मी चेजिंग that that thing 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 so I I don't chase anything okay. in my life yeah. no. earlier <laughs> I've done that. Karke, then then I realized ki nahi yaar, cheezhe, malab, it's not a very high thing. high thing, yeah. मतलब जो desires होते पहले उन्हें manifest किया हुँ. फिर उन्हें experience करके अब आपको लग रहा है कि, ठीक है अभी ये सब experience हो गया हाँ जी अभी आगे क्या सोचो लाइफ के बारे में

कहीं दिल जोड़ भी सकती हो दिल तोड़ भी सकती है तो आप किस तरीके से बोलते हैं किस लहजे से बोलते हैं वो बड़ा मैटर करता है जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी में सीखा है कि जब आप बात करें तो ऐसे बात करें कि आपके शब्द महके hmm. तो इट्स अ थॉट राइट तो वो थॉट जब आपके जहन में बैठ जाता है कि मेरे को अच्छा लगता है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे शब्द महकने चाहिए जब वो महकते हैं तो फिर वो अपने आप दिल जुड़ते हैं फिर तभी इतनी दुआएं भी साथ चलती हैं तो कहते हैं कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए हम पेड़ ज़माने के काम आए जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए <laughs> तो वो भी देखो आई एंजॉय पोएट्री तो लिरिक्स और जो वर्ड्स हैं तो इतना अच्छा सुंदर शेर है कि आई लाइक टू इम्प्लीमेंट दैट शेयर इन माई लाइफ एज वेल कि मैं सच बनना चाहता हूँ कि जब मैं सूख भी रहा हूँ तो भी मैं जलाने के काम

अंडर नाइनटीन टूर्नामेंट के बाद किस नजरिए से देखते हो अपने ट्वेंटीज को पॉजिटिवली आई एम श्योर बहुत पॉजिटिवली आई लव आई लव एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड आई वाज वेरी डिसिप्लिन मस्ती भी करता था बट डिसिप्लिन भी था कि भाई मुझे पता होता है क्या करना है ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा मेरे प्रैक्टिस पहले थी काम पहले था और उसके बाद बाकी चीजें आती थी तो पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करना वीकेंड पे चले गए एज यंगस्टर होता है कि भी पार्टी जाना है क्लबिंग करी मस्ती करी सारा कुछ किए ओके न हाँ जी हाँ जी फेम को हैंडल कैसे किया फेम यार मेरे को अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप में आ, आ, फेम मिला था उसके बाद फिर मैं रंजी खेला फिर आ, इंडिया ही खेला काफी टाइम फिर मैं थोड़ा फिर मेरा आ, थोड़ा लो पैच आया उसके बाद आ, फिर बीस दस दस में मेरा डेब्यू हुआ था इंडिया के लिए 24, 24 सत्ताईस साल में दो हजार तेरह में मैंने डेब्यू के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डेब्यू किया था तो अच्छा था वो भी वो भी बड़ा फनी इंसिडेंट था क्योंकि जब मेरा डेब्यू हुआ ओडीआई का तो उस सीरीज में एक ही मैच हुआ पूरी सीरीज में बाकी वॉश आउट हो गए और जो पहला मैच था उसमें जीरो पे भी आउट हो गया तो मैं हस्ता वापस आ रहा था मैंने क्या सोच गया था और क्या हो गया एंड जस्ट लाफिंग बंदा हसर होता यार सपने लेके था ना यार एज अ क्रिकेटर ड्रीम होता है इंडिया खेलना

Cool यार है? क्योंकि मेरे जो बाल है ना ना वो ना, ना सीधे है वो रस्सी टाइप है आ, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे छोटे अच्छे लगने शुरू हो गए थे तो उस वक्त इतने छोटे नहीं रखता था थोड़े से बड़े थे बट ऐसी फिर फिर उसके बाद मन ही नहीं गया फिर उसी पेट टक गया लोगों को याद होती है जो, मेरे मेरे okay. <laughs> जो नाजेगा <ज़चे। laughs> <laughs> <laughs> अंदर ही अंदर क्या है अंदर ही अंदर मैं मैं खुद के बारे में बताऊंगा आई एम बैड गाय ट्राइंग टू बी गुड अच्छा तो मैं हराम ही बट स्पिरिचुअलिटी की वजह से सीखा है कि एथिकल होना चाहिए लाइफ में एथिकल होना चाहिए हाँ तो दैट्स ऑल द जर्नी इज अभी आपके कितनी एज है 29 अभी अपन उनतीस साल के जब आप पैंतीस साल के होंगे छत्तीस साल के होंगे तो आपके में और चेंजेस आएंगे तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ जो इंसान बीस से तीस में करता है फिर वो एक अलग है रहता है बीस से पच्चीस या तीस में वो मस्तियाँ लग रहती है एनर्जी अलग रहती है मैं सतगुरु जी को सुन रहा था वही कहते कि जो उस एज में कर सकते हैं वो आज हम इस एज में नहीं कर सकते तो मैं भी उस एज में रैश भी रहूँ और मस्तियाँ भी करी हैं एग्रेसिव भी रहूँ लड़ने पे भी तैयार रहते थे किसके साथ लड़ाई लड़ाई की है आपने रहे मस्ती कर रहा है। हम तो टीम में रहे हैं मस्ती कर रहा है तो, तो मैं होगी रिएक्ट कर दिया हाँ, कई भी हो गया नेशनल टीम, टीम, टीम में भी तो इंसान ही रह रहे हैं जो भी नाम बड़े है सारे, लेकिन है तो इंसान ही

बहुत गहरा ब्रदरहुड भी होता है और नॉर्मल फ्रेंडशिप भी होती है अब जरूरी okay. ना पंद्रह के पंद्रह के साथ एक जैसा गहरा ब्रदरहुड होएगा और यारी रहती है हर एक चीज कभी कभी ऐसा भी होता है नाराजगी भी हो जाती है फिर वक्त के साथ बेटर भी हो जाता है ओके okay. तो अगेन इट्स अ जर्नी ओके तो सारी चीजें रहती हैं ओके okay. जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे हाँ जी तो वो कैसा माहौल रखते थे ड्रेसिंग रूम में धोनी भाई बड़ा रिलैक्स मॉल रखते थे okay. वो तो वैसे ही बहुत चिल्ड आउट बात going. जितना बोलना तो उतना बोलेंगे और और वेरी वेरी उनकी प्रेजेंस भी बड़ी एक बोल रहा हूँ तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आउट ऑफ लव बंदा थोड़ा वो भी करता था बट okay. वो जो एक क्लिप है ना जहाँ धोनी भाई मनीष पांडे को चिल्ला रहे हैं hmm. कि इधर देख ले आ, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या होता है कुछ भी नहीं होता खत्म करने हैं बॉलरस को चलाना है नहीं, अगर नहीं पकड़ के रखेंगे, लगाम नहीं पकड़ के रख <laughs> लीडर हमारा तो चलेगी कैसे चीज फिर वो लड़के अपनी पेज पे चलेंगे वो फाइन कप्तान पे लगेगा पूरी टीम पे लगेगा कप्तान बाहर होगा तो उस वक्त खींच जहाँ खींचने की जरूरत है वहाँ खींचना भी चाहिए

बट उस वक्त आपको काबू रखना so, so that's why there's a difference in reacting and responding uh, तो शिखर भाई बेसिकली mm -hmm. उन्होंने ये कहा कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है एंड mm -hmm. uh, उनके रोल के अकॉर्डिंग टीम में रोल के अकॉर्डिंग प्लस mm -hmm. उनके बॉडी के अकॉर्डिंग प्लस मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उनके लिए अलग वर्कआउट और अलग डाइट प्लान दिया जाता है हाँ जी तो आपके पूरे जर्नी में फिटनेस वाइज कुछ ऐसा चेंज हुआ था मतलब

अब डिपेंड करता है कि हर एक की मोबिलिटी कितनी है क्या वो उस लेवल का है कि उसको वो सूट करेगी नहीं करेगी आप सबको नहीं करा सकते वो क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं तो वो जैसे विराट को बहुत सूट करी मतलब मैं नहीं करता वो इतनी ट्रेनिंग ओके okay. बट मैं भी फिट हूँ वो भी फिट है तो हर एक का अलग है मेरे क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ है तो मैं वो करने जाऊँगा तो मैं वो ब, अभी भी अब मैं जैसे करता हूँ ऐसा नहीं नहीं करता पर मेरे को उसके लिए पहले अपनी मोबिलिटी बढ़ानी पड़ती है तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है जैसे उनका यही कहने का मतलब कि अब कोई नया लड़का आ गया उसने करी नहीं तो उसको सीधा नहीं करा सकते आप उसको इंजरी खा जाएगा वो आप किस टाइप की वेट ट्रेनिंग पर फोकस खुद के गेम के गेम अकॉर्डिंग कोई एक पर्टिकुलर नहीं रहती जैसे डिपेंड करता ऑफ सीजन क्या है सीजन क्या है सीजन में मेंटेन मेंटेन करते हैं हम क्योंकि सीजन जब खेल रहे हैं तो खेलते वक्त भी जान लग रही है आ, और फिर जिम में भी ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी स्पेंड तो आग तो, आग तो स्टे फ्रेश आ, मैच तो अगर जैसे तीन दिन है तो उसमें एक दिन जिम मार लेंगे दो दिन है तो दो दिन में हल्का जिम मारना तीन दिन में अच्छा जिम मार सकते हैं अगर एक दिन है तो मैं जिम ही नहीं मारूंगा मैं बिल्कुल रेस्ट करूंगा बॉडी को ऑफ सीजन में आप <laughs> पावर आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो <laughs> <स्ट्रेंथ कैसे? laughs> दूध <laughs> में जलेबी डाल के स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं ओके पर जब हम लिफ्टिंग जैसे अभी मेरा पीछे मैं सी गया जब तो तो असेसमेंट हुई तो उसमें देखा कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई लेकिन मेरी एक्सप्लोजिवनेस कम होगी तो फिर मेरे को स्ट्रेंथ वर्कआउट को कम करके करना पड़ेगा क्योंकि अगर मेरी स्ट्रेंथ है पर मैं तेजी नहीं भाग रहा तो क्या फायदा क्योंकि तेज तो फिर तो वो असेसमेंट होती रहती है उसके हिसाब से पता लगता है अच्छा पता लग रहा है कि भाई स्टेमिना कम है अभी कार्डियो वाइज बढ़ाना है तो फिर कार्डियो बढ़ जाएगा okay. तो मिक्स एंड मैच है वो बैलेंस करते रहेंगे अच्छा यार ये कम हो गया तो ये कर दो ये कर लो तो वो बिकॉज इतने साल का एक्सपीरियंस तो आइडिया हो जाता है अकॉर्डिंग टू यू एज अ बैट्समैन आपका आपकी खासियत क्या है मेरी खासियत क्या है अकॉर्डिंग टू मी एज अ बैट्समैन डिस्क्राइब योर ओन बैटिंग स्टाइल

बचपन में आपके आइडल कौन थे आपके आइडल कौन थे यार काफी सारे थे कोई ऐसे मैंने क्रिकेट याद है मैं देखता नहीं था बचपन में आ, बट जैसे सचिन पाजी हो गए ब्रह लारा यूपी पाजी तो ये सारे और मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि भी एक की तरफ बनना है ये नहीं। जिनकी सब अच्छा लगता था देखता रहता था आगे पसंद तो कर लिया एक बहुत पुराना वीडियो है इंटरनेट पर यूट्यूब पर कहीं है जहाँ एक अठारह साल के विराट कोहली और बाकी के डेली के टीम भी हाँ, हाँ, and, मैं चार साल बड़ों विराट से, तीन चार साल बड़ा तो हाँ, हाँ, जो विराट खेल के आया था और उसका इंटरव्यू हो रहा था वो बोला ना जी 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 सारे हस्ते रहे थे इतना अचीव किया सक्सेस पाया वो भी अपने आप में बड़ी चीज है okay. उनमें वो स्पेशलिटी दिखती थी जब वो डेली टीमेट थे आपके हुँ। कुछ दिखता था अलग उनमें उसको अपनी गेम की क्लैरिटी बहुत थी okay. और उसका जो सेल्फ बिलीव था वो बहुत स्ट्रांग था और उसके अंदर जो भूख थी बड़ा करने की वो बहुत ज्यादा थी गेम की क्लैरिटी मतलब गेम की क्लैरिटी यार कि बैट्समैन को पता होता कि वो रन कैसे बनाएगा

वो uh, मेरे हिसाब से पहले पाँच सात साल में काफ़ी स्परिचुअली इंक्लाइंड हुआ और ही इज़ इंस्पायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल जब स्परिचुअलिटी वाइज और बैटिंग uh, वाइज तो फॉर श्योर क्रिकेट वाइज फॉर श्योर एंड यह खूब बातें होती हैं ये जब okay. बैठे हैं यार दो जैसे अब आपसे बात हो रही है बट बातें करो तो एक टॉपिक से भी दूसरे वो लोग बात ऑनेस्टली क्यों ऐसा क्यों आई फील की स्पिरिचुअलिटी को अपनाना दर्द की वजह से होता है दर्द देखना पड़ता है लाइफ में फिर आप स्पिरिचुअलिटी अपनाते हो दर्द भी देखना पड़ता है वो बात भी है लेकिन आई फील की एक और चीज़ है ओशो शो यूज टू से दैट भाई स्परिचुअलिटी भी एक लाइफ स्टाइल जीने के बाद आती है uh, क्योंकि जब आप अचीव कर लेते हो उसके बाद होता है कि वॉट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट देन यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर अदर्स वेल दैट ऑल्सो कम दिन स्परिचुअलिटी जब आपका खुद का पेट नहीं भरा होगा तो आप दूसरे के बारे में कैसे एक बारी पेट भर गया फिर फिर ध्यान जाता है ना अच्छा यार अभी हो गया सपने हो गए हो गए हो गए फिर क्या अब और क्या कर सकते हो दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग एंड ऑफकोर्स जब आप बंदा दुख से गुजरता है तो उससे क्योंकि वो एक ए, ऐसे जोन में आ जाता है कि भाई वहाँ से फिर उसको उठना है या अनकम्फर्टेबल है तो चॉइस क्या रहती है तो गिरे रहो वहाँ पे या तो उठ के आओ वापस okay. तो वो वो चीज़ भी आपको नई सोच लाने में हेल्प करती है सपोज़ hmm. आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट हो जो क्रिकेटर हो जो फॉर्म में है तो तब आपकी लाइफ में कमी क्या होती है कुछ कमी होती है लाइफ में यार कमी कमी बाहर की चीजों से नहीं होती कमी आपके सोच पे है अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी टीम में नहीं हूँ मैं भी जैसे पहले खेल रहा था इंडियन टीम में लीड कर रहा था अब नहीं हूं बाहर हो गया अभी अब जैसे शुमन अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और मैं एक मेरी एक दो सीरीज खराब हुई थी तो मैं बाहर हो गया तब तो मैं उसको लेके उदास भी तो रह सकता हूँ कि भाई मेरे लाइफ में ये नहीं होनी है बट मैं सोचता ही नहीं वैसा मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो जो भी भगवान ने किया इसी में कुछ भला है मेरे लिए तो इसलिए मुझे वो कोई कमी नहीं दिखती अगर आपके पास सब कुछ हो सकता है यू कैन बी नंबर वन इन ए फील्ड एंड स्टिल बी इन तो उस नंबर वन का क्या फायदा ये देखा है आपने हा? देखा है आपने नहीं नहीं कि देखा है मैंने बट हाँ दिखता देख, देख, भी है वो हर एक फील्ड किसी भी फील्ड में जाके देख सकता है कि कैसा कैसे नहीं तो वो, सोच की बात आ जाती है सर आप सोचते क्या हो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एज के साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ अगेन खुद के इमोशंस पर कंट्रोल होता है हुँ. और खुद के दिमाग पर कंट्रोल होता है एज के साथ ऐसा नहीं कि एज के साथ मतलब जब इंसान अपने आप पे वर्क करना शुरू करता है वो आप बीस साल की उम्र में भी कर सकते हो आप पैंतीस में भी कर सकते हो या कई लोग साठ सत्तर तक भी नहीं करते तो वो तो ये है कि इंसान कब अपने अंदर झाक के वर्क करना चाहता है उन चीज़ों पर जितनी जल्दी करो उतना अच्छा होता है क्योंकि वो आदतें फिर बदल सकते उस वक्त फिर एक बारी जब पचास साठ सत्तर आ गए फिर आदतें बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ओके okay. um, मैं बहुत चौक गया हूं आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में जा, जान जान के क्योंकि yeah. आप बहुत डीप बातें कर रहे हो एंड ऑनेस्टली जो लाइफ इंडिया के क्रिकेटर्स जीते बहुत अलग होती है आई फील कि इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू गैस टू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो हर कोई आपके साथ दोस्ती इसलिए करना चाहेगा mm -hmm. कुछ गेन करने के लिए या यही कहने के लिए कि अरे शिखर धमार मेरा दोस्त है mm -hmm. आई फील दैट एज YouTube यूट्यूब इज़ नथिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ क्रिकेट आई कीप क्वेश्चनिंग आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी होती होगी दोस्ती करने के मौके मिल जाता दोस्ती हो जाती है लोगों के साथ कि आप थोड़े से गार्डेड रहते हो नहीं हो जाती दोस्ती क्यों नहीं होती बिल्कुल okay. होती है नए दोस्त भी बनते हैं आ, पुराने दोस्त भी हैं मेरे बचपन के दोस्त भी हैं जैसे भी मेरे फ्रेंड बैठे हैं यहाँ पे वो मैं उसको 18 साल की उम्र में मिला था मुंबई में जिसकी आ, शादी हो रही है आ, नहीं, 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 नहीं नहीं शादी हो चुकी है आ, okay. आ, जिसने शादी से पहले सेक्स नहीं किया <laughs> <नहीं। laughs> तो उसको <laughs> तो मैं उसको जब अठारह साल का था तब मिला तो अभी तक मेरी उससे फ्रेंडशिप है जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो आ, हम हमेशा मिलते हैं टाइम स्पेंड करते हैं और विदेश आपके फ्रेंड्स भी बदलते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है विदेश जब आपकी फ्रिक्वेंसी बदलती जाएगी जब आप सोच बदलेंगे अपनी, तो ऐसा तो भी हो सकता है जो आपके साथ के हैंसी पे है ही नहीं फिर आपकी दोस्ती रहेगी लेकिन भी भी आपको उनके साथ इतना बात करके मजा ही नहीं आएगा जो नए लोगों के साथ आएगा जो अब <laughs> आ रहा है जब लोग आप पर फैन बॉय करते हैं डू गेट आपको बस नॉर्मलेशन चाहिए पर ये कर रहे हैं

अब बहुत लोगों हाँ, की ड्रीम जी रहे हो हाँ जी हाँ अब बहुत लोगों की ड्रीम जी रहा हूँ और तो जब वो एनर्जी आ रही है एनर्जी आ क्या रही है वो तो प्यार ही देने आ रहे हैं कोर्स ऐसा होता है यार कि एक लेवल तक मैं ले सकता हूँ उसके बाद तो मैं उनको कहता मैं थक गया मेरे को जाना प्लीज मुझे फ्लाइट में रोहित शर्मा मिले थे और मैं उनसे बात नहीं कर पाया मैं हार्ड कोर मुंबई इंडियंस फैन अच्छा, तो अच्छा, इंडियं मुंबई अच्छा, शर्मा भगवान की तरह अच्छा, जी जी जी। तो वो कुछ कह रहे थे कि मैं जयदेव शाह की तरह दिखता पर अच्छा, मैं जवाब नहीं दे पाया मैंने बस ये किया उनके सामने वेरी गुड वेरी गुड उनकी खासियत के बारे में कुछ बताइए वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है रोहित रोहित बहुत फ्रेंडली है है बिंदास जारो का यार है मतलब कोई भी, भी अगर कोई जैसे मेरे को अगर काम भी होएगा कुछ है तो मैं फोन भी कर दूंगा तो हमेशा वो तैयार रहेगा उसके लिए और इज डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ एंड वेरी मुंबई का जैसे बिंदास चिल्ड आउट बॉय है बिल्कुल relaxed, yeah. उस ओपनिंग पार्टनरशिप के दौरान आपकी दोस्ती भी बढ़ी हाँ जी हाँ दोस्ती भी बढ़ी ओके okay. अभी भी दोस्ती है बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत प्यार है एंड uh, बिल्कुल यार जब इतना वक्त बिता रहे हैं किसी के साथ तो ऑफ द फील्ड वो दोस्ती होना भी बड़ा जरूरी क्योंकि ऑन द फील्ड इट्स अ होल पैकेज वो वाइब सारी हमेशा क्रिएट रहती है साथ में तो वो एक अच्छा रहता है एंड वेरी बोहोत अ वेरी लक्की की यू नो वी परफॉर्म सो वेल फॉर इंडियन टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दस साल खेलना साथ वो भी अपने आप में बड़ी बात है इतनी पार्टनरशिप्स रही इतना नाम रहा मतलब बहुत ब्लेस्ड uh, फील करते हैं कि जैसे सचिन भाजी और uh, दादा की जोड़ी कहते वैसे हमारी जोड़ी 100 को वो उस लेवल का दर्जा दिया गया तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है okay. जी भगवान ने उन्हें इतना सक्सेस क्यों दिया उन्हें इतना सक्सेस क्यों दिया है क्योंकि वो उसके हकदार है इसलिए उन्हें इतना मेहनत की वजह से मेहनत की वजह से सोच की वजह से आ, उनके पास कर्म की वजह से तो वो सारी चीजें की वजह से उनको इतना सक्सेस मिला आप दोनों ही बहुत ज्यादा हम्बल हो फील की ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करता है िटी को चलना बड़ा है। ऐसा नहीं की अकेला इंसान अपने साथ अकेला ही कर रहा था उसके साथ पीछे बड़ी फोर्सेज होती है साथ में hmm. तो वो फोर्सेज को साथ लेके चलना बड़ा जरूरी है एज अ फैन हम लोग रोहित शर्मा के बारे में क्या नहीं समझते वही आपसे पूछना चाहूंगा एज ए टीमेट उनके बारे में कुछ बताइए। रोहित शर्मा के बारे में क्या? नहीं <laughs> साथ नहीं रोहित क्या विराट क्या सब के साथ होती है तो मेरे साथ की है और बाकी यंगस्टर <laughs> है विराट है विराट और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी हम दोनों सेम है काफी और गानों की पसंद भी तो विराट आएगा जब जब बी टी में तो, तो फिर कान में मेरे वो लगा देगा कि पंजाबी गाने सुनाएगा कि भाई ये गाना है ये गाना नॉन वेज जोक्स होते हैं हाँ हाँ नॉन वेज जोक्स सब होते हैं बाबा जैसे नॉर्मल बंदे जिंदगी जीते हैं हम भी वही जीते हैं <laughs> हमारे भी वही दो हाथ दो पौर <laughs> और uh, क्या कहते हैं इट्स गुड फन फिर रोहित का Uh, like, um, uh, रोहित तो की चीज की लाइक हम जब कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं न, yeah, तो रिएक्शन देता है जैसे मुंबई टाइप के होता है ना और फिर uh, तो उसका वो रहता है कभी okay. कभी एक दो गालियां देता है तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग मुंबई वालों uh, के बारे में आपने क्या सीखा है मुंबई वालों के बारे में मुंबई पीपल मुंबई पीपल आर क्वाइट चिल रिलैक्स एंड ये सी ये रहता है ना यहाँ पे फील्ड में अलग है दिल्ली में मत करना है यार भाई पुट पोलाइट होता है कल्चर हाँ uh, दिल्ली में तो थोड़ा कल्चर अलग है इधर का अलग है हर एक सिटी की अपनी ब्यूटी है कहते हैं की दिल्ली रंजी टीम में चांस भी बनना मुश्किल होता है क्योंकि कंपेटिटिव एनवायरमेंट होती है दिल्ली का डोमेस्टिक सर्किट uh -huh -huh. तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेले होंगे जो आज और कुछ ही कर रहे हैं बड़े सारे यहाँ मेरे साथ के अंडर नाइनटीन के इतने लड़के थे जो अंडर नाइनटीन इंडिया खेले मेरे साथ वो सारे आज कुछ और कर रहे हैं बिल्कुल बहुत सारे हैं कई कितने करियर बनते हैं कितने करियर बिगड़ते भी हैं बिगड़ना मतलब हट जाते हैं और कई और अपनी लाइफ में आगे अच्छा कर रहे होते है क्यों हट जाता यार अब क्यों हट जाता है क्योंकि चांसेस नहीं मिलते भाई जब लड़का जो ग्रोथ पे जा रहा होता है उसको आगे नहीं चांस मिलते हैं

As a fan, I feel कि आपके fitness levels बहुत ज़्यादा हैं हाँ है। पे दिख जाते fitness levels. Do you feel कि आपके career की length भी बढ़ जाती और बिल्कुल बढ़ती है आप अपने को मेंटेन करते हैं तो वो आपको फायदा ही देगी हर एक चीज में चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो आज अगर क्रिकेट की बात में फिटनेस कर ऐसे नहीं कि मैं लाइबिलिटी बन गया कि मैं हो गया तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड और वो मैंटेन ही करता हूँ कि मैं 15 पंद्रह सोलह साल से स्टार्ट किया तो मैंटेन कर रहा हूँ अच्छा और वो है और यही देखता हूँ कि मैं अगले यू you नो know, दो तीन साल खेलूँ आराम से अच्छा एक दो साल खेलूँ और उसके बाद फिर आप uh, uh, yeah. okay. uh, योगा और प्राणायाम करते मैं योगा करता हूँ मेडिटेशन uh, करता हूँ okay.

अब जैसे मेरे को स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है जैसे अब मैं पंजाब टीम है तो हमारे योगा टीचर है साथ में तो जैसे मैं उनसे पहले स्ट्रेचिंग बॉडी खुल, दूंगा उसके बाद फिर मैं जिम करूंगा okay. तो एक रूटीन बन जाता है का okay. देश को कैप्टन करने के टाइम क्या क्या लगता है है फील होता है? अच्छा फील होता है बस ये और क्या यार इतने सालों से खेल रहा हूँ मैं तो अच्छा फील होता है प्राउड फील होता है और मेन चीज ये है कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो खुश रहें मैं ऐसा इन्वामेंट क्रिएट करूँ कि वो खुश रहें और अगर वो खुश हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी जिंदगी का सबसे बेस्ट और वर्स्ट दिन क्या था जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन सबसे बेस्ट दिन हर एक दिन ही अच्छा है यार <laughs> मैं यारेस्ट एक, एक को बेस्ट बना के मैं दूसरों को क्यों हल्का करूँगा हर एक दिन की अपनी खूबसूरती है और ऐसे भी दिन आते हैं जब थोड़ा दुख भी रहे दुख काफ़ी दुख भी रहे रोए भी हैं वो भी है तो वो दिन भी है वो उसकी अपनी खूबसूरती है अब भी अब मोस्टली जो मेरे दिन है हमेशा मैं मस्त मलंग खुशी में रहता हूँ तो okay. ऐसा मेरे को याद ही नहीं है कि भाई कब कोई उदासी याद आई हो उदासी आने नहीं देते वो स्पिरचुअलिटी ने हेल्प कर दी ओके नेट्स फेयर स्परिचुअलिटी हेल्प मी करियर रिलेटेड आपके वर्थ डे के बारे में कुछ बताओगे क्योंकि आई एम श्योर कि आपने उससे कुछ सीखा होगा हाँ बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि भाई जब मैं भाग रहा था अपने उसके पीछे कि भाई जैसे मेरे को पता था मैं बाहर हो जाऊंगा तो मैं चेस कर रहा था उसको कि मैं अच्छी मेहनत करूंग करूंगा नहीं हुआ, गया। वो बाहर हो गए वो बस हो गया या टीम से ड्रॉप हो गए बस एज ऐ करियर क्या रहेगा टीम से ड्रॉप होना ही रहता है क्या महसूस होता है क्योंकि हर किसी को पता है कि इंडिया में इतने सारे बैट्समैन है बैट्समैन पर शायद सबसे ज्यादा प्रेशर होता है जी कि परफॉर्म नहीं तो यू गेट ड्रॉप ड्रॉप होने के टाइम क्या महसूस होता है यार ड्रॉप होने के टाइम ये महसूस होता है कि भाई क्या मैसुछ? कि भाई दुख होता है यार कि बाहर हो गए एक देखो एक इंडियन टीम का जो रौनक है या जो एक और है पावर है वो अलग है इंडियन टीम जब बंदा चलता भी है तो जो एक लाइफ स्टाइल है वो भी डिफरेंट है आ, सारी चीज़ें अपने आप होती हैं यू फील लाइक अ किंग तो वो सारी जब चीज़ हाथ से जाती है तो ऑफकोर्स यू फील इट

ना no. नहीं पीपल वर्शप क्रिकेटर्स जनरली ये पता नहीं वर्शिप करते नहीं करते मेरे को नहीं पता कि वर्शिप करते, करते नहीं करते बट आई एंजॉय बींग विद माई क्लोज बन जो मेरा ग्रुप है अब जब मैं घर जाऊँगा तो घर पर मेरे जो क्लोज बंद हैं उनके साथ टाइम बिताऊँगा मेरे दोस्त सभी आ, आ जाएंगे रात को बिकॉन अ चिल्ड टगेदर मेरे फैमिली मेम्बर्स तो मेरे को नहीं लगता उनको कोई फ़र्क है कि वो मुझे एज अ क्रिकेटर नहीं human being प्यार करते हैं ब्रदर प्यार करते हैं एंड ऑफ कोर्स वो मेरी खुशी में काफ़ी खुश हैं अब जैसे जब मैंने अपने दो तीन साल पहले लाइक यू नो रेज माइ फ्रिक्वेंसी तो मेरे जो सर्कल था वो भी बदल गया काफ़ी और मेरे नए दोस्त हैं पर वो नए दोस्त ऐसे लगते हैं बड़े पुराने और पुराने दोस्त भी हैं ऐसे नहीं पुराने दोस्त हैं नए दोस्त भी हैं तो वो भी मेरे लाइफ के काफ़ी क्लोज आ गए हैं और बस अच्छी मजाक में वक्त गुजारते हैं शुक्राना अदा करते हैं हर चीज़ का लोगों को कट ऑफ करना ज़रूरी होता करियर में कभी कभी अगर जरूरत हो तो करना चाहिए आपको पता होना चाहिए आपकी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सात संगत सात संगत सत्संग सात संगत क्या है किसके साथ आप उठते बैठते हो क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा आपके मेंटल क्योंकि आप जैसे जिनके साथ उठोगे बैठोगे आप वैसे ही बन जाओगे um, मैं गाली देने वाला हूँ हाँ जी बट विल बीप इट आउट बॉलीवुड सर्कल्स में मीडिया सर्कल्स में एक शब्द है, हुँ, हुँ, तब okay. जो लोग लोग हुँ, 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 आ, लोग फेमस के आसपास मंडराते हैं हैं आपने नोटिस किया कुछ बिल्कुल अब आप इतने बंदों से जब मिल रहे हो रोज का तो आपको आइडिया हो जाता है किस लिए आया क्या रीजन है उसका आने का क्या नहीं है और कभी ऐसा होता कि नहीं भी पिक कर पाते ऐसा नहीं भाई हंड्रेड ही आपका सही रहेगा तो नहीं होता तो कोई बात नहीं क्या दिक्कत है पर लोग किस इंटेंशन के साथ आते हैं फ्रेंड बनने के लिए आ, ये ये कहने के लिए कि ये क्रिकेटर मेरा दोस्त है ऐसे भी आते होंगे आई फील कि जब YouTube की वजह से थोड़ा फेम मिल गया ना लाइफ में मेरे पुराने फ्रेंड्स मुझे कॉल करने लगे को क्लब लेके जाते थे एंड मेरे को ट्रॉफी की तरह यहाँ लेके जाते थे हमने यार ये क्या हो रहा है या, ये ये हुआ, हुआ। है, हाँ बड़ा हुआ है, तो बहुत, होता है, okay. बहुत होता, है, 100 होता है तो अभी भी होता है और वो भी हम कर सकते हैं। हाँ कर, वो देखने का नजरिया है अब आप को यार ये यूज कर रहे हैं। और ये नहीं की आप, आप मना कर सकते हो ना एट दून गो नॉट और जब तक आप गए नहीं तब तक आपको पता ही नहीं लगा ना आप ऐसे यूज हो रहे हो hmm. तो वहाँ जाना भी जरूरी था पता करने के लिए कि ऐसा भी होता है तो यू शुड ब्लॉक यूर सेल्फ टू इट एक्सपीरियंस के बाद आपको लर्निंग मिलती है सीख मिलती है नहीं यार ये मैं मेरे लिए मैं नहीं करूँगा आई एल बी यू गेट मोर अवेयर ऑफ इट सो अब जैसे हमें मेरे को पता हो जाएगा भाई यार कि मेरे फ्रेंड कोई है जैसे बुला रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो मुझे पता लग जाए जैसे किस लिए बुला रहे हैं क्या रीज़न है उसका बुलाने का ये नहीं कि कोई बताएगा बट अपनी समझ से ही पता लगता है तो पता होता है यार कि कहीं हाँ कहीं जाना है तो हमें पता चला कि यार वो भी हमारा

सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं विराट के साथ बड़ा अच्छा है रोहित के साथ अच्छा है यूजी के साथ अच्छा है कुलदीप है अब जैसे अभी मेरे घर पे सूफी नाइट हुई थी तो कुलदीप आया हुआ था फिर घर पे रुकता है श्रेयस है श्रेयस के साथ बड़ा प्यार है मेरा आ, सारों के साथ अच्छा प्यार है ओके okay. कोई ऐसे मेरे वो नहीं रहा कभी कि भी मैं ग्रुपिज्म में नहीं रहा मैं ऐसा होता ना कि ग्रुप बना लिए अपने ये ग्रुप हो गया मेरे को वो किस बेसिस पे ग्रुपिज्म होता है मतलब किसी भी, भी उस पर हो जाता है ना यार कि किससे ग्रुपिज्म भी ऐसे नहीं कि नॉट इन अ बैड वे बट एक अपनी वाइब मैच करने वाली बात होती है ना यार अब आप पंद्रह अब आपके यही क्रू बैठा है आप इसके हर क्रू के साथ आपकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी नहीं किसी के साथ आपको ज्यादा मजा आएगा किसी का किस कम आएगा तो आप जिसके ज्यादा मजा आएगा उसके साथ बैठ जाओगे ठीक ओके फाइन बस वो okay? पॉडकास्ट <laughs> नहीं पर नहीं, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट पांच सौ लोगों से बात करी है आप बहुत ज्यादा प्योर इंसान हो आप शुद्ध देसी घी की तरह जेन्यूनली वो वाली फील आती है आई मीन इट वन ऐसे भाइयों का भाई एंड अभी मैं एज अ पॉडकास्टर बात नहीं करूंगा अब मैं क्रिकेट फैन के रोल में बात करूंगा

शब्द यूज़ किया मेरे लिए थैंक यू रियली अप्रिशिएटेड एंड आई रियली एन्जॉय बींग ऑन दिस शो एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू एंड योर टीम इज डूइंग सो वेल आपका टीम का मैंशन करना भी जरूरी है क्योंकि उसके बगैर uh, उनकी भी जो बैकग्राउंड पर इतनी मेहनत करते हैं

जब भी मैं कबड्डी देखता हूँ मेरे को कबड्डी देखने का शौक़ है तो पंजाब की कबड्डी देखता रहता हूँ काफ़ी मैं तो जब भी वो करते तो एक मरदानगी वाली फील आती है मैचो वाली है। और तो मैंने क्या सोचा कि यार जब मैं ग्राउंड पे पाऊंगा तो मेरे को दिल से अच्छी लगती है वो भी मैं चीज़ करता हूँ तो मैंने दिल से करता हूँ तो भाई ये करूँगा वो करते करते वो मालिक ने उसको ऐसे चार चांद लगाया कि इतना फेमस हो गया मैं फील्ड पर हूँगा तो पहले मेरे को बाउंड्री पे पहले यही करेंगे या जब मैं मुछे रखता था तो मुछे बताओ करने के लिए करते थे तो वेरी ब्लेस्ड कि भी मेरे जो मूव्स हैं मैं कहीं भी भी जाता हूँ मैंने देखा इवन जैसे बॉलीवुड में भी सारों को क्रिकेट का चूल्हा है hmm. तो सबको क्रिकेट का इतना चूल्हा है तो सारे ये कराएंगे कहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा लगता है ये बड़ा अच्छा लगता है जब बॉलीवुड और नॉर्मल कहीं पर भी होगा तो वो सारे ये इससे पहचानते हैं मुझे लोग hmm. आ, अभी मैं फैन बॉय बन जाऊंगा जस्ट ग्रेट ग्रेटर ये मतलब सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत लोगों से मिला हूँ कभी फैन बॉय नहीं करता हूँ पर जब क्रिकेटर से मिलता हूँ दिल को कुछ हो जाता है बिकॉज आई फील की आप डेफिनेटली क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन हो बट आप पूरे यूथ के लिए एक कैरेक्टर सेटिंग कर देते हो आई वी लर्न कैरेक्टर फ्रॉम स्पोर्ट जो लोग क्रिकेट नहीं खेल पाते या जो फुटबॉल नहीं खेल पाते स्पोर्ट्स लोग देखते क्यों हैं इंस्पिरेशन mm -hmm. के लिए कैरेक्टर्स के बारे में सीखने के लिए एंड आई फील कि आप ऐसे इंसान हो जो हर टीम में जाकर ना एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर देगा तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर इंडिया आल्सो सर जितने भी लोगों ने इंडिया में क्रिकेट देखा हाँ जी पिछले दस <coughs> पंद्रह सालों में आपने उनके दिल में एक साइन कर रखी है कर दो सो थैंक यू सर थैंक यू सो मच इतनी प्यार इतनी माइंडफुल बातें बोलने के लिए And, अपने फैंस का दिल से शु, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना सारा प्यार दे रहे हैं और आपके थ्रू मुझे पता चल रहा है कि और कितना प्यार दे रहे हैं तो एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और बिल्कुल मज़े करो इंजॉय करो खूब मेहनत करो खुश रहो लाइफ में अच्छी सेहत रखो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं दे शिखर धवन शो आ, ना, 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 <laughs> तो दोस्तों ये था आज का क्रिकेट स्पेशल पॉडकास्ट अक्सर ना जब सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट पर आते हैं तब उनकी एक पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी होती है और दूसरी पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी होती है पर शिखर सर के साथ दोनों पर्सनालिटीज एक ही तरह थे क्योंकि इनका दिल ना बहुत बड़ा है खुले दिल के साथ बात करते हैं पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिज्म के साथ बात करते हैं आई एम एक्चुअली जेन्यूनली लुकिंग फॉर टू सी की आगे जाकर इनके क्रिकेट करियर के बाद भी ये क्या करेंगे इस दुनिया में आई एम श्योर एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी इनकी क्योंकि इनका माइंडसेट बहुत अलग है फिरोशियस वॉरियर मेंटालिटी भी है और उसके साथ साथ एक भैया जैसी पॉजिटिव हेल्पफुल मेंटरिंग वाली एनर्जी भी है बहुत ज्यादा हम्बल है बहुत ज्यादा मजेदार है एंड आई होप शिखर धवन सर रिटर्न ऑन टी आर एस क्रिकेट फैंस हमें ये बताइए कि हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं यार मैं भी खुद एक क्रिकेट फैन हूँ ऑनेस्टली और ऐसे लेजेंड्स के साथ बात करते हुए ना मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती है जेन्यूनली जो मैं छिपाने में माहिर हूँ तो आपको शायद पता नहीं चलता बट ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ क्रिकेट कॉन्वर्सेशन के दौरान आई फील आई कैन बिकम मच बेटर क्रिकेट पॉडकास्टर तो मेरी मदद कीजिए बताइए कि इन पॉडकास्ट को और बेहतर कैसे बनाओ हमें कॉमेंट सेक्शन में खुल कर फीडबैक दीजिए और टी आर एस को फॉलो करते जाइए नमस्ते thank you to the audience and thank you to shikhar dhawan sir lots of love